क्या माँ बेटे के बीच सेक्स संभव है? क्या पिता और पुत्री के बीच सेक्स संभव है? क्या भाई और बहन के बीच सेक्स संभव है? दोस्तों, आज हम आपके लर्निंग सीरीज 2.0 के जरिए आज आपका एक ऐसे शख्स से परिचय कराते हैं। क्या उन्हें हम धर्म गुरु कहें? क्या उन्हें हम दार्शनिक कहें? क्या उन्हें हम सेक्स गुरु कहें? नाम है आचार्य रजनीश चंद्र ओशो। ओशो जी कहते हैं, सेक्स से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, प्रेम का प्राथमिक बिंदु सेक्स ही है। व्यक्ति के जीवन का समाधि जो है अंतिम छोर है, और संभोग जो है प्रारंभिक छोर है। दोस्तों, आज ओशो और उनके शिष्य से जुड़ी एक छोटी सी कहानी आपके बीच लाते हैं। एक बार ओशो जी प्रवचन दे रहे थे, बहुत दूर दूर से उनके शिष्य आए हुए थे। उन्हीं में से एक शिष्य था, वो बार ही बार एक ही प्रश्न पूछ रहा था। गुरुजी उसका उत्तर नहीं देना चाह रहे थे। जब बार बार वह पूछा तो गुरुजी बोले, यार क्या है बताओ, पूछो आप। वह पूछता है, गुरुजी मेरे मन में एक शंका है, क्या माँ बेटे के बीच सेक्स संभव है? क्या पिता और पुत्री के बीच सेक्स संभव है? क्या भाई और बहन के बीच सेक्स संभव है? गुरुजी कहते हैं, ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो, क्या आपका कोई मामला है? यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं व्यक्ति आपको हे दृष्टि से देखते हैं। गुरुजी कहते हैं, एक चीज जान लो, व्यक्ति की शादी जो है ना, वो बहुत दूर होना चाहिए, नजदीक नहीं होना चाहिए। दोस्तों, कुछ क्षण के लिए ओशो जी की बात सोचिए और कुछ क्षण के लिए आप अपने साइंस की तरफ जाइए। पहले जो पशु होते थे, गाय भैंस, ये 4 से 5 लीटर दूध देते थे, लेकिन आज के पशु जो हैं 60 से 70 लीटर दूध दे रहे हैं, दोनों टाइम मिला के। क्यों दे रहे हैं? विदेश से बीर ला के हमारे पशुओं में डाला जा रहा है, और भारत का बीर ले जाके विदेश में डाला जा रहा है। इससे दूरियां बढ़ गई हैं और दूध भी बढ़ गया है। वही शायद ओशो जी भी कहे थे, बहुत पहले ही कहे थे, जितना दूरियां रहेंगी और दूरियों से जब शादी होगी, उससे जो बच्चा होगा वीरवान और बलवान होगा। दोस्तों, एक चीज और ओशो जी कहते हैं, जब आप पत्नी के साथ सेक्स करने जाइए तो ये समझ के जाइए कि हम मंदिर में जा रहे हैं। जब आप पति के साथ सेक्स करने जाइए, पत्नी को भी कह रहे हैं, तो ये समझ के जाइए आप मंदिर में जाइए। और वो कहते हैं, जब दोनों संभोग करते हैं तो ये जानिए कि आप भगवान के गोद में बैठे हुए हैं। ये विचार कहाँ तक सही है, और इनके तीनों जो विचार हैं वो कहाँ तक सही है, आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा और शेयर भी करिएगा। कम से कम ये पता चले जो कमेंट हुआ है, कहाँ तक ओशो जी सही थे, कहाँ तक हम सही हैं, कहाँ तक आप सही हैं, तभी इसका निष्कर्ष निकल सकता है।